press the bell icon and never miss any updates from Tele Reporter. सीन को लेके ही इंटरेक्शन पहले हुआ होगा एंड बस तब से इंटरेक्शन चली रहा है, कोई लेट नहीं आता यहाँ हम हमेशा ऑन टाइम. मैंने सबसे पहले तो उनका विग नोटिस किया था, कोई रियल हेयर है. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बिकॉज ही इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट, वेरी गुड एक्टर, तो इसके साथ सीखने का बहुत चांस मिलता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. कुछ ना कुछ बताता रहता है बीच में, ऐसे नहीं ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो वो सब मुझे अच्छा लगता है. और हाँ, फर्स्ट इंटरेक्शन मॉक शूट में होता है, उतनी ज़्यादा बातें नहीं हुई थी मॉक शूट में बिकॉज आप फर्स्ट टाइम किसी से मिले हो ऐसा. फिर उसके बाद आउटडोर में ही ज़्यादा इंटरेक्शन वगैरह शुरू हुआ. अभी जस्ट उन्होंने फीस भी भरी है मेरी एक्टिंग स्कूल की, तो वहाँ पे मैं खुद ही इनको दिखाता हूँ. इसके बाद इसकी एक्टिंग, मेरा एक्टिंग स्कूल में जाने वाली है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रमोट कर रही है उसको. कोई एक्टिंग स्कूल नहीं है, ठीक है. मैंने सबसे पहले तो उनका विग नोटिस किया था क्योंकि पहले ही आई थी छोटे बाल थे, ठीक है, फिर शॉर्ट में आई तो एकदम से बड़े बड़े बाल हो गए, तो मैंने कहा ये कैसे. फिर मुझे अच्छा ये विग है, ओह गॉड नो नो ऐसे मत बताओ सबको, ये रियल हेयर है. नहीं एक्सटेंशन, सॉरी विग नहीं एक्सटेंशंस, ये छोटे लास्ट में एक्सटेंशन. खूबसूरत बालों का राज. और उसका रीजन है ना यार, आप रोज उसमें टोंग करते हो तो अपने ओरिजिनल बाल में तो नहीं कर सकते ना. पॉसिबल नहीं है. इन्होंने मेरा विग नोटिस किया. आपको क्या लगता है ये असली है? बताती हूँ क्या हुआ था. हम लोग जब उस पे आए थे, जो पूजा हुई थी, पूजा में इसके लंबे लंबे बाल थे और फर्स्ट डे शूट पे आए तो बाल छोटे, और हम लोग शॉक्ड हो गए. मैंने कहा ये क्या हुआ, तो इसने कहा कि मैं बाल कटवाने गया था, कुछ ज्यादा ही छोटे कट गए. सच में यार, मतलब मुझे ऐसा लगा कि फर्स्ट नया शूट स्टार्ट हो रहा है तो आई शुड लुक डिफरेंट, तो कुछ ज्यादा डिफरेंट हो गया था वो. एंड आई वाज लाइक बढ़ जाए फटाफट बढ़ जाए, तो इन लोगों को शायद लगा होगा ये भी विग पहनता है क्या. फ्रेंडशिप तो है ही हमेशा, मतलब स्टार्टिंग से जब जानना शुरू हुआ एक दूसरे का, एक दूसरे से इंटरेक्शन शुरू हुआ, तो एक कंफर्ट जोन हमेशा से था हम दोनों के बीच में, एक फ्रेंडशिप हमेशा से थी. सपोर्टिंग ईच अदर सीन्स में या ऑफ स्क्रीन भी हम लोग बातें करते रहते हैं, तो वैसा एक कंफर्ट जोन है वो तो हमेशा से ही. आप घुमा फिरा के एक ही चीज़ पूछ रहे हो, क्या कहना क्या चाहते हो मुझे बताओ. मेन मुद्दे पे आओ आप, हम दोनों का अफेयर नहीं है. हाँ, ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, कमाल की बॉन्डिंग है. और ऑन स्क्रीन में हम कब, अभी ऐसे तो याद नहीं कि किसने पहले इंटरेक्ट किया, पर आई थिंक सीन को लेके ही इंटरेक्शन पहले हुआ होगा एंड बस तब से इंटरेक्शन चली रहा है. ये बहुत प्रैंक्स करता है. एक तो मेरी, मैं आप सबको पता ही होगा, मेरी सैंडल ऐसे वहाँ पे लटकाई थी और ढूंढती रही मेरी सैंडल कहाँ है. और शिव के साथ जब वो नहीं होता है, मतलब तो उसके साथ अकेले एक सीन्स करने होते हैं, तो वो सब ये पोस्ट कर देता है. हाँ, वो पागल हो गए शरण. तो वैसे फनी तो लगता ही ना, क्योंकि हम तो देखते हैं बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, ये अपना आपसे ऐसे कुछ करती रहती है, ये क्या कर रही है. तो वैसे बट स्क्रीन पे दिखते हैं तो दिखता है कि वहाँ पर शिव खड़ा है, बट बिहाइंड द सीन्स वी हैव टू शूट इट लाइक दैट. तो यहाँ कट होते ही एक तो ये मोबाइल इनको बड़ा प्यारा है अपना, और ये भूल जाती है मोबाइल कहाँ रख के, तो ये ढूंढ, तो ये अपना मोबाइल ढूंढती रहती हैं कि मेरा मोबाइल किसके पास है, मेरा मोबाइल किसके पास है. ये सबको बड़ी शक भरी नज़रों से देखती है, मेरा मोबाइल तुम्हारे पास है, मेरा मोबाइल तुम्हारे पास है, मेरा मोबाइल तुम्हारे पास है. और ये हर बार की कहानी है, हर बार कट होता है, ये पता नहीं मोबाइल किसको दे देती है और ये सब पे शक करती है मेरा मोबाइल किसके पास है. तो ये एक इसकी प्रोमिनेंट चीज है जो मैं हमेशा नोटिस करता हूँ. तो शक करो तो ऐसे होता है कि अच्छा हाँ, बता देगा, नहीं अच्छा हाँ मेरे पास हाँ, मैं देता हूँ. और ये शक भी ऐसे नहीं करती, ये ऐसे ऐसे देखेगी और देख के हंसती रहेगी. मतलब तुम्हारे पास ही, और हमको पता भी नहीं मोबाइल खो गया, तो हम सोचते हैं क्या क्यों हंस रही है. थैंक गॉड कभी खोया नहीं है. हाँ, वी आर फनी. कम 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 आ जाओ. हाँ, नेक्स्ट. कभी नहीं, कोई लेट नहीं, कोई लेट नहीं आता यहाँ, हम हमेशा ऑन टाइम. हम सबको कोई लेट नहीं आते, हम सब टाइम पे आते हैं. मैंने अभी आपको बताया अपना मोबाइल भूल जाती है, फिर सब पे शक करती है मेरा मोबाइल कहीं छुपा लिया. क्या रीसेंट एक्टिविटीज, रीसेंट एक्टिविटीज अभी हुआ ना मोबाइल वाला. हाँ, मोबाइल वाला वो रीसेंट, वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक वही चलता है, मोबाइल ही
हमको लगता रहता है किसका कहाँ इसका मोबाइल किसने सब के सब मेरा मोबाइल ढूंढने में लगे रहते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस और आप हमारा शो देखते रहिए और ऐसे ही हम सबको प्यार देते रहिए और आई होप कि हम अच्छा शो बनाए आपके लिए. और अभी तो लीप भी होने वाला है. लीप भी होने वाला है. I don't know if we have to disclose this, but हाँ होने वाला. अभी तो बोल दिया, बोल दिया. बोल दिया, बोल दिया. लीप के बाद की कहानी.